रवि, मनोज, राहुल तीनों दोस्त रहते हैं। वह तीनों दोस्त जाते हैं चौथे दोस्त के पास, उसकी शादी रहती है। एक बस में बैठ कर जाते हैं, अचानक बस खराब हो जाती है। अरे भैया क्या हुआ, बस क्यों रोक दी? अभी जाकर देखता हूँ तभी पता चलेगा। बस ड्राइवर उतर कर बस को देखता है तो पता चलता है कि बस खराब हो चुकी है। ये बस खराब हो गई है और आगे नहीं जा पाएगी, आप सभी को यहीं उतरना होगा। अब तो रात भी हो चुकी है, हम आगे कैसे जाएंगे? भैया मुझे माफ करो पर मैं कर भी तो क्या सकता हूँ। अरे रवि यहाँ रुकने का कोई फायदा नहीं है, चलो यहाँ से निकलते हैं। बस से सभी लोग उतर जाते हैं, अपना अपना रास्ता मंजिल ढूंढ लेते हैं। ये तीनों दोस्त अपने दोस्त के घर के रास्ते की ओर चल पड़ते हैं। आखिर कब आएगा कजरोटी गाँव, इतनी देर हो गई हमें चलते चलते। सामने कुछ रोशनी सी तो दिख रही है, लगता है हम गांव पहुंच गए। तीनों दोस्त बहुत तेजी से चलते हैं, रास्ता सुनसान रहता है। तभी एक लाइट से सजा हुआ घर दिखाई देता है। लगता है यही घर है संदीप का, चलो चलते हैं। अरे पहले पता तो कर ले, ऐसा ना हो हम किसी और की बारात में घुस जाएं। क्या फर्क पड़ता है दोस्तों किसकी बारात है, इतने रिश्तेदारों में क्या पता चलना है। बस अभी जैसी हमारी हालत हो गई है ना, इतना चल चल कर मैं तो जा रहा हूँ, अगर तुमको आना है तो आ जाओ। मनोज घर के अंदर चला जाता है, बाकी दोस्त पीछे पीछे चले जाते हैं। घर बहुत सुंदर और बड़ा रहता है और सभी लोग चुपचाप अपने काम में लगे होते हैं। फिर तीनों दोस्त देखकर अजीब सा चौक जाते हैं, तभी खाना दिखाई देता है। अरे वाह इतना बढ़िया बढ़िया खाना, देखकर ही मुंह में पानी आ रहा है। चलो दोस्तों कुछ आ पी लेते हैं। तीनों दोस्त खा ही जा रहे होते तभी एक बूढ़ा आदमी वहाँ आता। आप लोग उस कमरे में आराम से बैठो, मैं आपके लिए खाना भिजवाता हूँ। जी बिल्कुल, बहुत भूख भी लग रही है। तभी कुछ देर में तीनों दोस्त के लिए अच्छा अच्छा पकवान लेकर जाता है और सभी खाते। अरे दोस्तों मैंने तो कुछ ज्यादा ही खा लिया है, अब तो मुझे नींद आ रही है। ओ यार नींद तो मुझे भी आ रही है, पर हमें यहाँ से अब चुपके से निकलना होगा। तभी वहाँ एक औरत आती है। आपको नींद आ रही है तो आप कुछ देर इसी कमरे में आराम कर सकते हैं, 12 बजे निकलेगी, तब तक आप आराम कर लो। ये ठीक रहेगा पर बारात जाएगी कहाँ? कजरोठी गाँव। इतना कह के वो औरत चली जाती है। अरे वाह ये बारात तो कजरोठी ही जाने वाली है, ऐसा करते हैं हम लोग बारात के साथ ही निकल पड़ते हैं। ओ बिल्कुल सही कहा तुमने, पर ये लोग कितने अजीब नहीं है, इसी के चेहरे पर कोई हंसी मुस्कुराहट ही नहीं, पता नहीं पर कुछ तो अजीब है यहाँ। और किसकी बारात 12 बजे निकलती है? इतना खा खा कर अब तुझे सब अजीब लग रहा है, चल अब चुपचाप सो जा। तभी तीनों दोस्त बातचीत करते हुए सो जाते हैं। तभी 12 बजता है, तभी रवि के कान में आवाज ढोल नगाड़ों को जाता है और जग जाता है। अरे मनोज राहुल जल्दी उठो, देखो बाहर ढोल बज रहे हैं, लगता है बारात निकलने का समय हो गया है। क्या है रवि, सोने का यार बहुत नींद आ रही है। क्या नींद, चलो जल्दी उठो वरना सब निकल जाएंगे। तीनों दोस्त जग जाते हैं, जब घर में देखते हैं तो कोई दिखाई नहीं देता है। फिर बाहर सब बाहर होंगे, चलो बाहर चलते हैं। तीनों दोस्त वहाँ जाते हैं, ढोल नगाड़े की आवाज़ आती है। सभी बराती को देखकर तीनों चौंक जाते हैं, किसी का सर नहीं रहता है, हाथ में रहता है और सभी चौंक जाते हैं। यही उन लोगों को भूतिया बराती रहता है। ये सब मैं क्या देख रहा हूँ, कहीं ये मेरी आंखों का धोखा तो नहीं? नहीं यार ये तो सरकटे भूतों की बारात है, सभी सब इतना अजीब बर्ताव कर रहे थे और किसी ने हमसे पूछा भी नहीं कि हम कौन हैं। कोई हमें देख ले उससे पहले हमें यहाँ से निकलना होगा, जल्दी चलो यहाँ से। तीनों दोस्त चुपके से भाग ही रहे होते हैं, तभी उधर से एक घटकटा आदमी आकर तीनों को रोक लेता है। दोस्त कहाँ जा रहे हो, चलो हमारे साथ। वो हम बस आ ही रहे थे। चलो मेरे साथ चलो, आखिर तुम सबको भी तो बारात में शामिल होना है। तीनों दोस्त इतना डर चुके होते हैं कि सर कटे भूत के पीछे पीछे तीनों दोस्त जाते हैं, तो देखते हैं कि सारे सर कटे भूत और चुड़ैल सभी डांस कर रहे होते हैं, नाच गा रहे होते हैं।
पीने के चलते हंसा जाती हैं। तभी वहाँ एक चुड़ैल सरकटी आती है और कुछ कहती है, आओ ना हमारे साथ नाचो। मुझे नाचना नहीं आता। ऐसे कैसे नहीं आता नाचना? नाचना तो तुमको पड़ेगा, चलो। रवि की हालत खराब हो जाती है पर वो डर से नाचता और गाता है। इधर इस दोस्त को सभी को देखकर हालत बहुत खराब हो जाता है, इतना डर जाते हैं। बेचारा रवि, अब हम उसे वहाँ से कैसे निकाले? पता नहीं कहाँ फंस गए हम लोग। समझ नहीं आ रहा कि हम भूत चुड़ैलों से बचकर कैसे निकल पाएंगे। ऐसे ही पूरी रात सरकटी भूतों की बड़ा धीरे धीरे आगे बढ़ती जा रही होती है। तभी वहाँ स्वागतम के लिए सरकटी भूत खड़े रहते हैं। सभी का स्वागतम होता है, बारात वहाँ पहुँचता है। फिर तीनों दोस्तों को भी स्वागतम वैसे ही होता है। फिर मंडप सजा होता है, पंडित जी सरकटे भूत होते हैं। फिर वहाँ सभी सरकटे भूत चुड़ैल सभी खड़े रहते हैं। तभी दुल्हन सरकटी अपने हाथ में लेकर आती है और मंडप पर। इस चुड़ैल की तो शादी हो रही है पर इस बारात में तो दूल्हा है ही नहीं, तो फिर इसकी शादी किससे होगी? तुम तीनों में से किसी एक से। ये तीनों सुनकर चौंकते हैं और तीनों साथ मुड़ते हैं। क्या? हाँ, तुम तीनों में से दुल्हन जिसको पसंद करेगी उसकी शादी आज उस दुल्हन के साथ होगी। चलो अब मेरे साथ चलो, वक्त निकलने वाला है। नहीं, ये नहीं हो सकता। हमें जाने दो प्लीज। आखिर आपको इन सब से क्या मिलेगा? प्लीज हमें जाने दो। कुछ और भूत आ जाते हैं, फिर तीनों को मंडप पर ले जाया जाता है। तुझे तीनों में से कौन सा लड़का पसंद है जिसे तू पसंद करेगी हम तेरी शादी उसी से करेंगे और फिर उसका सर काट कर हम उसे अपनी बिरादरी में शामिल कर लेंगे। इतना सुनकर तीनों थरथर कांपने और रोने लगते हैं। रवि जा ही रहा होता है तभी मंडप पे गिर जाता है। इसे जल्दी उठाओ और जल्दी से शादी की विधि पूरी करो, हमारे पास वक्त नहीं है। भूत जैसे तैसे रवि को लिया कर खड़े कर देते हैं। चुड़ैल भी रवि को पसंद कर चुकी होती है। वहाँ दो माले होते हैं जिसमें सरकटा माला रहता है। फिर जल्दी करो, वक्त निकल रहा है, जल्दी से ये माला उठाओ और एक दूसरे के गले में पहनाओ। पहले माला चुड़ैल रवि को डालती है। जैसे रवि चुड़ैल को माला डालता है माला जमीन पे गिर जाता है। सभी सरकटी भूत वहाँ से गायब हो जाते हैं। फिर तीनों दोस्त चौंक और डर जाते हैं। अब कैसे हो गया? कहाँ गए सारे भूत? ये सब सोचने का वक्त नहीं है हमारे पास, बस यहाँ से जल्दी भागो। तीनों दोस्त वहाँ से भाग कर अपने चौथे दोस्त के घर सांस लेते हैं और पूरी बात बताते हैं। तुमने आने से पहले बताया क्यों नहीं? उस रास्ते में से तो अक्सर सरकटे भूतों की बारात निकलती है, पर शायद तुम्हारी शादी होने से पहले ही 4 बज गए थे, इसलिए वो भूत अपने आप गायब हो गए। रात में तीनों दोस्त अपने आप में खूब हंसी मजाक करते हैं और फिर चुड़ैल का शादी रवि वाला बात ले लेकर सभी एक दूसरे के मजाक उड़ाते हैं, खूब हंसी मजाक करते हैं। सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए।